वेलकम टू नाव ब्यूटी नेचुरली। आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे ये चैनल एंड बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आप सभी मेरे ब्यूटी क्वींस हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बिकॉज ये निया इमेजिनेशन का न्यू चैनल है। सो लेट अस स्टार्ट। अभी जस्ट मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया है, यहाँ पर लैक्टोकैलामाइन लगाया था एज यूजुअल और फाउंडेशन लगाया है और कुछ नहीं किया अभी। और मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। आज मैं आपको दीपक पादुकोण की तरह हेयर स्टाइल करके एंड वो लुक जनरेट करेंगे हम। लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो मुझे तो अभी ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैं विदाउट हेयर स्टाइल एंड ऑल कैसे लग रही हूँ अभी, एंड देन आफ्टर भी आप बताओगे कि कैसे लग रहे हैं, कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मीट कर पाए हैं लुक को, दीपिका पादुकोण लुक को या नहीं, वो आप मुझे कमेंट पे बताओगे। यहाँ से हेयर्स लेंगे। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसी वाली कॉम लीजिए, इससे क्या होगा ज़्यादा हेयर्स बैठेंगे नहीं। मुझे थोड़ा नीचे हो जाना चाहिए ताकि मेरे हेयर्स आपको दिखें। ये पूरा हमने ले लिया एंड इस तरीके से आप ट्विस्ट करेंगे। इतना ट्विस्ट कर लिया आपने, आप इसको फ्लफी बनाएंगे आगे से जितना हो सकता है। दिखाऊं मैं पीछे से, इतना किया एंड इसको आगे की तरफ यूँ खींचेंगे एंड आई होप ये क्रिएट हो गया है। एंड नहीं हुआ तो आप ऐसे करके मैसी बना सकते हैं इसको। सो ये पिन लेंगे एंड I'm going to tuck it like this. एक साइड पे और टक करनी है। Now it's done. अभी हमें इसकी हाई पोनी बनानी है। सो फ्रेंड्स, हाई पोनी के लिए ये रबर बैंड मैं ये वाला यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि इससे मेरे बाल टूटते नहीं है एंड सही रहते हैं। सो हाई पोनी भी आपको कुछ नहीं करना, कॉम नहीं करनी है अभी, क्योंकि पहले हम देख कर चुके हैं। इसको जस्ट ऐसे लिफ्ट अप करना है सारे के सारे बालों को। यहाँ पे जो भी मैसी लग रहा है हम ऐसे हाथ ही डाल के उसको सही कर देंगे। जितना हो सकता है हम इसको ऊपर ले आए हैं। और इस तरीके से अच्छे से कर दूंगी मैं टक ऑन एंड या आर हाई पोनी इज रेडी। इसको पीछे भी रहने दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे ले आइए आगे। अब हम मेकअप पे आते हैं फ्रेंड्स। अब आपके पास कोई भी पैलेट है वहां से आपको निकालना है ब्राउन कलर, क्योंकि यहाँ पर हम स्मोकी आई बनाने वाले हैं थोड़ा बहुत। सो ये ब्राउन कलर ले सकते हैं, जैसे कि ये पैलेट है इसमें ये वाला ब्राउन कलर दिस वन, या फिर जो मैं आपको रेगुलर पैलेट दिखाती हूँ सभी में होता है नॉर्मली ये ब्राउन कलर होता है, जैसे कि ये वाला ब्राउन कलर आपको लेना चाहिए इसमें से। सो अब हमने देख लिया तो हम कौन सा वाला यूज़ करें, रेगुलर में से यूज़ करें या वो वाला। सो लेट मी यूज़ दिस वन, आज अभी यही यूज़ करती हूँ। सो ये मैंने लिया है फ्लैट ब्रश, क्योंकि ये आप सब मुझसे पूछते रहते हो तो इसलिए, और इसमें से मैं ये ब्राउन कलर इसमें से ऐसे लूंगी ब्रश में, ठीक है इस तरीके से। अब मैं लगा रही हूँ, क्रीज बनाएंगे, ज़्यादा क्रीज नहीं बनाई गई उसमें, हल्का सा क्रीज बनाया है। थोड़ा सा मैट लुक चाहिए होगा तो हम मैट वाले में से ले लेंगे इस तरीके से। जहाँ पे भी हमारी आईलिड का ये आ रहा है खड्डा टाइप, ये अपने ब्रश को डाल के ऐसे देख लो, जहाँ पे ऐसे आ रहा है वहाँ पर इस तरीके की क्रीजा बना लेंगे। सबके ही होता है ये नॉर्मली, और ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने जस्ट कोई कंसीलर वगैरह भी नहीं लगाया इस वक्त तो, क्योंकि ये सिंपल मेकअप है और डेली के लिए है इसलिए। ये हमने कर दिया इसको, यू कैन सी बहुत ही प्यारी क्रीज लग रही है, स्मोक आउट हो गया है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, फॉर अ चेंज हमने ये इस तरीके की क्रीज बना ली है जो बहुत ही प्यारी लग रही है, एंड यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा पिंक, लाइट पिंक, जो सबसे लाइट पिंक आपके पैलेट में हो वो हम ले लेंगे। इस ब्रश का दूसरी वाली साइड पे लगा लीजिए, क्योंकि पहले वाली साइड पे तो ब्राउन है,
ये मैं इसमें से लगा रही हूँ और हल्का सा सिर्फ इनर आई लिड पे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने क्लॉथ्स पहने हैं पिंक, तो जस्ट यहाँ पे मुझे करना है। तो हमारी बहुत ही प्यारी लग रही है। अब यही पिंक कलर अभी मैं यहां लगा लेती हूँ। कहाँ कहाँ लगाना है वो बताती हूँ मैं। यहाँ स्माइल करेंगे और उसके नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश लगाएंगे। पहले हम ये पिंक लगा लें, कौन सी साइड पे था, यहाँ पे। अब इसके दूसरी वाली साइड पे हम फिर से वही ब्राउन लेंगे, हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। मैंने यही वाला ब्राउन लिया और इस तरीके से लिया। इसके नीचे क्रीज बनाने के लिए दिख रहा है, इस तरीके से हमें यहाँ पर लगाया है। सेम इतना ही पहले मैं दूसरी जगह, ताकि हमें इक्वल पता चल जाए कि हमने लगाया या नहीं। यस, इक्वल लगा लिया। अब हम लेंगे अपना ये वाला ब्रश जो मोटा होता है, इसे पूरा मैश कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। मैश नहीं बोलना चाहिए वैसे, ब्लेंड कर दिया। अच्छे से ब्लेंड कर दो, अच्छे से। अब हो गया, अगर थोड़ा सा एक्सेस होगा तो मैंने हाथ से निकाल दिया। बाकी मेरा जो फेस है वो ऐसा ही है, यहाँ पर ज़्यादा भरा भरा नहीं है। जिसका अगर जहाँ यहाँ पे भी भरा होगा तो यहाँ पे वो ब्राउन कलर लगा लें और उसको भी ऐसे कर लें। दीपिका पादुकोण लुक के लिए हम ये एंगल वाला ब्रश लेंगे, जिसमें एंगल होता है, और यहाँ पे स्मोकी आई करने के लिए हम यही वाला लेंगे कलर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर मैं लगाऊंगी। आई के नीचे इतना हम स्मोक आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हल्का सा कर दूंगी मैं, सिमिलरली यहाँ पे भी करके आते हैं। तो जिस साइड पे लगाना है, जैसे मेरे को ये वाली साइड पे लगाना है, तो इसके एंगल जो ऊपर वाला चोंच है ये इस साइड पे होगा, बाहर की साइड पे। यहाँ से हमारा स्मोक आउट हो गया है, यू कैन सी, क्योंकि ज़्यादा आईलाइनर, विंग आईलाइनर नहीं लगाया गया, इसलिए हमने यहाँ पर इधर स्मोकिंग कर ली। एंड यहाँ पर हमें चाहिए ब्लैक काजल, काजल से ही लगाएंगे ये। दैट्स इट, इतना ही यहाँ पर। और यहां से हाफ है सिर्फ, यहां से हाफ, वो भी हल्का वाला, ज्यादा नहीं। बस इतना सा ही हाफ है यहाँ से, यू कैन सी यह लुक इज रेडी। अब हमें चाहिए लिप कलर के लिए लिप पेंसिल। सबसे पहले ये पिंक है, अब बारी आई है लिपस्टिक की, क्योंकि अभी हमने वो किया है। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है लिप कलर, ये लैक्मे एनरिच सैटिन का है और इसका नाम है 149। मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बहुत ही प्यारा पिंक मेरा फेवरेट कलर है, अगर मैं लगाना चाहती हूँ तो हमेशा यही लगाती हूँ। मेकअप तो काफी हद तक रेडी है, बट
मैजिकल पार्ट अब आएगा जो आईज के लिए है, वो है हमारा मस्कारा। तो मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा हमें लगाना कहाँ है वो देख लीजिएगा कि यहाँ पर मुझे फॉल्स आई लैशेज की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरी खुद की आई लैशेज बहुत अच्छी है। ये मेरा मस्कारा है इंक कलर का, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें वॉल्यूम अपने आप ही आ जाती है। फ्रेंड्स अब ये लुक बिल्कुल रेडी है, आप जल्दी से बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। और ये मेरा हाई पॉनी है, यू कैन सी एंड हाउ आई एम लुकिंग लाइक। सो अभी मुझे बताओगे कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट चाहिए इस वीडियो के नीचे और बहुत सारे शेयर्स चाहिए। आप जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगा है तो। सो लेट मी शो फ्रॉम दिस साइड एज वेल हाउ आई एम लुकिंग विद दिस ग्लैम लुक। आप जल्दी से शेयर करने वाले हो, मुझे बताने वाले हो कि ये कैसा लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर, दीपिका पादुकोण जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है या नहीं लग रहा, और कौन सी आपने देखनी है। थैंक यू।